भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के साथ पोलिंग एजेंट को वर्चुअल ट्रेनिंग दी। भाजपा चाहती है मतगणना के दौरान उसके प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट पूरी तैयारी के साथ जाएं और कहीं पर भी कोई चूक ना हो पाए। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आने हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपने 230 प्रत्याशियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल ट्रेनिंग देकर तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि इलेक्शन सेल के इंचार्ज ओम पाठक ने सभी काउंटिंग एजेंट को वर्चुअल ट्रेनिंग दी है। इस बार ईवीएम मशीन की गिनती में कुछ नई चीज आई है, उसको लेकर भी वर्चुअल जानकारी दी गई है। आगामी आने वाले 3 तारीख को जो काउंटिंग होने वाली है, उस दृष्टि से ईवीएम काउंटिंग एजेंट्स हमारे, तो उनको सभी विधानसभाओं में वर्चुअली जोड़ करके आज वर्कशॉप संपन्न अभी हुआ है, अभी वर्कशॉप चल ही रहा है। और इस नाते से हमारे ओम पाठक जी जो सेंट्रल इलेक्शन सेल के हमारे इंचार्ज हैं, वो सभी काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं बेहतर तरीके से काउंटिंग अच्छे तरीके से हो। उसके सभी तकनीकी पहलुओं में कई नई चीज़ें भी काउंटिंग के दौरान जो इस बार आई हैं, उन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण भी हमारे सभी ईवीएम काउंटिंग एजेंट्स को देने का काम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए उत्साह और उमंग के साथ हमारे सभी काउंटिंग एजेंट्स मैदान में काउंटिंग में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिलेगी। तो आज तकनीकी प्रशिक्षण भी हुआ है और आप विधानसभा स्तर पर 29 और 30 तारीख को हर विधानसभा में भी इसका वर्कशॉप सभी काउंटिंग एजेंट्स का प्रत्यक्ष तौर पर, अभी आज जिसकी तैयारी हुई है वो निचले स्तर पर विधानसभा स्तर पर करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।